हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कुछ ही देर पहले WBJEE 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गया है, तो मैं आज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो WBJEE 2021 के एग्ज़ाम में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ओपन करेंगे। तो मैं आप लोग को सिंपली मोबाइल से ही बताऊंगा, तो आप लोग सिंपली मोबाइल से भी WBJEE का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग WBJEE का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हो। तो जब आप WBJEE का ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को नीचे जाना है, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है कि फिल WBJEE 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप लोगों को क्लिक करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, 4 स्टेप आप लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना है, लास्ट में आप लोग को फ़ीस पेमेंट करना है। तो हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन, हम लोग अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे। लेकिन जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए, वो अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासपोर्ट और उसके बाद सिक्योरिटी पिन देने के बाद वो अपना स्टेटस चेक कर सकते कि उनका फॉर्म का स्टेटस अभी क्या है। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले 4 स्टेप होता है, तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, देन हम लोग को इमेज अपलोड, उसके बाद हम लोग को फ़ीस पेमेंट करना है। तो हम लोग को 4 स्टेप करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन ये सब लिखा हुआ है। आप लोग उसको डाउनलोड अगर करना है तो आप लोग इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ़ीस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, 500 फॉर जनरल एंड 400 फॉर ST OBC सर्विस चार्ज है, इस सर्विस चार्ज है। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, तो उसके बाद इसमें क्लिक कर दीजिए, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए, ये आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब भरना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडिडेट नेम। आप जब भी मतलब WBJEE का फॉर्म जब भी आप लोग भरोगे, तब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10 या 12 या आपका जो भी आधार कार्ड, जो भी राशन कार्ड, जो भी है, आप लोग अपने पास रखिएगा। और एकदम जल्दी जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी में अपना नाम का स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो आप लोग ये एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले कोई भी हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे मोहित, कोई भी एक रैंडम सा नाम लेते हैं, मोहित सिंह। उसके बाद आपके फादर नेम का भी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर नेम का स्पेलिंग है, वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं, राम सिंह। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर भर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मदर नेम दीपा सिंह। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। आपका 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में है, वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद जेंडर आता है, तो जेंडर आप अपना भर लीजिएगा। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है। आधार कार्ड है तो आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट, उसमें आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग स्कूल आईडी कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे। तो स्कूल आईडी कार्ड पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को अपना स्कूल आईडी कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। स्कूल आईडी कार्ड का नंबर मतलब 10 या 12 का आपका जो रोल नंबर होगा, आप लोग को वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो रोल नंबर लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पेरेंट एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो सबसे पहले परमिसेस नेम, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोलकाता। उसके बाद आपका लोकेलेटी, मतलब ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हो। फिर सब लोकेलेटी इसको आप लोग भर दीजिए, सब पीपल। फिर कंट्री इंडिया। फिर आपका कौन सा स्टेट में, आप आसाम, बिहार, कोई भी स्टेट में, जो भी आप स्टेट में, वो स्टेट को फिलअप कर दीजिए। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल को हम लोग फिलअप करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हावड़ा। उसके बाद पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है उसको आप लोग अच्छा से यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद STD ऑप्शनल होता है, कॉन्टैक्ट नंबर।
या अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन हो या फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन हो, तो आपके ईमेल आईडी में ही वो मैसेज आएगा। तो आपका जो वैलिड ईमेल आईडी होगा, जो आपके पास होगा ईमेल आईडी, जो आपके पास 24 आवर आपके पास जो होगा ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पर फिलअप करिएगा। फिर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर भी आपका जो सही होगा, मतलब जो आपका ऑन होगा, जो 24 घंटा आपके पास वो नंबर अवेलेबल होगा, उसी मोबाइल नंबर को आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर भी में भी आपका मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फ्यूचर में अपना एप्लीकेशन नंबर या अपना पासपोर्ट अगर आप लोग भूल गए, तो आप लोग मोबाइल नंबर से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर को भी, जो वैलिड वाला मोबाइल नंबर होगा, उसी को आप लोग फुलफिल कीजिएगा यहाँ पर। तो मोबाइल नंबर देने के बाद आप लोग यहाँ पर जो ये सेम है पेरेंट प्रेजेंट एड्रेस पे, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ देर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, आप लोगों को पासपोर्ट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो पासपोर्ट क्रिएट करने का एक रूल होता है, समझ लीजिए राहुल से समझ लीजिए, मैं कैंडिडेट का नाम राहुल है, तो राहुल जो आर है, राहुल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए आर, उसके बाद राहुल एट द रेट फिर कोई नंबर, और जो डिजिट होता है वो 8 डिजिट का होना चाहिए, मतलब 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे आप लोग जाएंगे, पासवर्ड फिर कंफर्म पासवर्ड पे आप लोग को वही सेम पासवर्ड आप लोग को इसमें लिखना है। फिर आप लोग को ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करना है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो आप ये विच इज़ योर फेवरेट बुक पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को उसका आंसर देना होगा, तो जो भी आप लोग का फेवरेट बुक है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे समझ लीजिए, मैंने सिंपल में मैथ बुक का मैं नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन जो आप लोग को ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसी को आप लोग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है एकदम सेम। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो इसमें आप लोग को ये जो क्रॉस है उसमें आप लोग कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को फिर से रीचेक करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। और रीचेक करने के बाद आप लोग को इस माई नेम, इसमें आप लोग इस समय क्लिक करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मतलब इसमें क्लिक करके आप बोल दीजिए कि हाँ मेरा सब कुछ सही है। और अगर आप लोगों का गलत है, अगर आप लोग को कोई मतलब कोई स्पेलिंग गलत हो गया, तो इस ये जो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। और आप लोग सब एक बार सही से एक बार देख लीजिए, आप लोग का सही होगा तो इस पर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग फाइनल सबमिट, ये जो फाइनल सबमिट है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर फिर से एक रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर में आप लोग को यस करना है, तो इस पर फिर से आप लोग यहाँ पर यस कर दीजिए। तो यस क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें आप लोग का यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा रहा है, यानी आप लोग का जो पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में। ये दो ही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। ये इमेज अपलोड और फीस पेमेंट, ये तो दोनों बहुत 2 मीटर काम है, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो स्टेप होता है, जो पहला स्टेप हम लोग पूरा कर दिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन, और फिर आप लोग का एक मेल में, आप लोग का ईमेल आईडी में एक मेल भी आएगा, उसमें आप लोग का एक उसमें आप लोग का एप्लीकेशन नंबर आएगा, आप लोग का मेल आईडी में भी एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर नीचे में जो लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें हम लोग अभी क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, इसमें आप लोग कैंडिडेट नेम ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ ये सब पहले से लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले नेशनलिटी यहाँ से हम लोग को भरना है, फॉर्म यहाँ से हम लोग फिर से भरेंगे। इसमें आप लोग को इंडियन लिखना है, अगर आप लोग इंडियन नहीं है तो आप जो भी है आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप जो भी कैटेगरी में है, जनरल में है, एसटी एससी, आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। हम जनरल यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, जो भी आपका कैटेगरी होगा आपको ये करना है। PWD, आप PW कैंडिडेट है या नहीं, वो आप तो नो हम लोग नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, उसके बाद आप लोग को होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिलअप करना होगा, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये फिलअप कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग फिलअप करते हैं हावड़ा। उसके बाद आपका इनकम कैटेगरी, उसके बाद आता है इनकम कैटेगरी में, तो आप लोग को इसका सिलेक्ट में देखिए कि आपका इनकम कैटेगरी कितना है, बिलो इतना, बिटवीन इतना, आपका फादर का इनकम कैटेगरी इसमें पूछा हुआ है। तो कोई भी जैसे बिलो 2.5 लाख पर मतलब 12 मतलब एवरेज सैलरी होता है, एक साल का ईयरली सैलरी होता है,
उसके बाद यहाँ से आप लोग को रिलीजन पूछेगा, तो रिलीजन आपका जो भी रिलीजन है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है, जैसे हिंदू यहाँ पर फुलअप कर दिए। उसके अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग के लिए किए। उसके बाद फर्स्ट चॉइस आपका क्या है, पहला चॉइस। अब आपको चार आप लोगों को ऑप्शन आता है यहाँ पर, तीन ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया, मतलब तीन ऑप्शन दिया है, तीन चॉइस दिया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों को कौन सा सेंटर, मतलब कौन सा स्टेट में आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना। तो मैं जल्दी जल्दी इसको फिलअप कर देता हूँ। तो ये फिलअप करने के बाद आप लोग को चॉइस फिलअप कर दिया मैंने, तो आप लोग जो भी आप लोग को स्टेट में एग्ज़ाम देना है, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल फिलअप किया, अब जो भी अपने स्टेट में हो आप लोग को वो स्टेट आप लोग यहाँ पर सबसे पहले फिलअप करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए बिहार से भरे तो आप बिहार फिलअप कीजिए, उड़ीसा से भरे तो उड़ीसा, आप लोग को जो भी स्टेट में एग्ज़ाम देना है वो स्टेट आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिए। तीनों में सेम स्टेट अगर आप लोग वहाँ पर, तो तीनों में सेम स्टेट रखिए। और उसके बाद आप लोग जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट है वो, उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को एग्ज़ाम देना हो आप लोग को यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एडुकेशन डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पर आप लोग को एडुकेशन डिटेल्स आप लोग को फिल करना पड़ेगा, जैसे 10+2 यानी 12 का, तो यहाँ पर आप लोग को एडुकेशन डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। जैसे पास स्टेटस में आप लोग को यहाँ पर लिख देना पास। उसके बाद ईयर ऑफ अपीयरिंग, आपको कौन सा ईयर में अपीयरिंग किए थे, कोई भी ईयर ऑफ अपीयरिंग आप जो भी ईयर में किए हैं आप लोग को यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप लोग को कोर्स स्ट्रीम नेम आप लोग को यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 10+2 एग्जामिनेशन, उस पर आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को बोर्ड का नाम पूछेगा, जो भी आपका बोर्ड का नेम है, आप स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बिहार बोर्ड, जो भी जिस बोर्ड में भी है आपको उस बोर्ड का आप लोग को यहाँ पर नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पर आता आपका रिज़ल्ट मोड में क्या था, परसेंटेज में था या CGPA में था, तो आप यहाँ पर परसेंटेज में आपका जो भी रिज़ल्ट मोड होगा जिसका भी आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स में आप लोग का मार्क्स कितना आया वो आप लोग को लिखना पड़ेगा, टोटल मार्क्स आप लोग का कितना था, जैसे 700 टोटल मार्क्स। फिर आपका जितना भी टोटल मार्क्स था उसमें से आप लोग को कितना मार्क्स मिला वो आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। मार्क्स लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा, आपका रोल नंबर कितना है, तो आपका जो भी एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद आप लोग को आपका स्कूल का नेम लिखना होगा, स्कूल का नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर आपका स्कूल का नेम एंड एड्रेस, और फिर आपका स्कूल का जो पिन कोड है आप अपना स्कूल का पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग को जो ये ग्रीन कलर का सिक्योरिटी पिन है 8644 जो ये लिखा हुआ है वो आप लोग को लिख के उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग को फिर से एक तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्रॉस कीजिए और फिर से फाइनल रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। तो एक बार फिर से अपना फॉर्म जो है आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एकदम अच्छे से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये जो आपका माय नेम, फिर फादर नेम, इस सब में आप लोग क्लिक कर देना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही है तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए। एग्जामिनेशन सिटी, आपने एग्जामिनेशन सिटी सही भरा या नहीं, एडुकेशन डिटेल सही भरा नहीं, उस पर सब क्लिक करने के लिए कर लीजिए। और अगर आप लोग का कोई भी गलती है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग मतलब सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहां से जाके फिर आप लोग अपना एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री क्लिक करने के बाद आप लोग को फाइनल सबमिट जो लिखा हुआ है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। फाइनल स्लिप इसमें क्लिक करोगे तो फिर से आप लोग एक रिमाइंडर आएगा कंफर्म का, तो आप लोग को यहाँ पर फिर येस में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाने लगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड हो गया, मतलब अब आप लोग को सिर्फ अपना इमेज अपलोड करना है और आपका एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पर अपलोड करना है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म में ही होता है। उसके बाद आप लोग सिंपली अपना फ़ोटो जो है स्कैन फ़ोटो आप लोग वहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये ST SC अगर इस कैटेगरी से भरे तो आप लोग का उसका जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को वो अपलोड करना होगा और फिर लास्ट में आप लोग को फ़ीस पेमेंट करना होगा।
तो यहाँ से आप अपलोड इमेज, अगर आप लोग को इमेज अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड इमेज में आप लोग क्लिक करेंगे। अगर आप लोग को अभी इमेज अपलोड करना है तो आप इसमें अपलोड इमेज में आप लोग क्लिक करना होगा, फिर वहाँ से आप लोग अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं। और ये अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी ही कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हैं। आप लोग को बस अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, आप लोग जब लॉग इन करोगे तो आप इसी होम पेज में आ जाओगे और फिर यहाँ से फिर अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे फ़ोटो अपलोड पे आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और उसका साइज़ जो होना चाहिए वो क्या 10 KB, मतलब 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10 KB एंड मैक्सिमम साइज़ जो होना होगा उसका 200 KB का होना चाहिए। तो ये फ़ोटो का साइज़ हो गया। और फिर जो आप लोगों का सिग्नेचर होगा, वो सिग्नेचर आपका क्या होगा, वो भी JPG में होना चाहिए, और उसका भी मिनिमम जो उसका साइज़ होना चाहिए वो 4 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ होगा ना वो 10 KB होना चाहिए, मतलब 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 200, मतलब आप 150-100 KB का आप लोग फ़ोटो को प्रिंट आउट मतलब स्कैन करवाइएगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ से जाके अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपना सिग्नेचर भी कुछ इसी तरह से कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को अपना फ़ोटो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाके अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप लोग को सबमिट करना है, आप लोग को सबमिट कर देना। उसके बाद आप लोग का ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फ़ीस पेमेंट भी बहुत ईजी है, आप अपना फ़ीस पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या कैसे भी आप लोग ऑनलाइन ई पेमेंट से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो से रिलेटेड या IT से रिलेटेड या WBJEE से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।